मथुरा थाने हाईवे पुलिस अक्सर विवादों में रहती है। डॉक्टर अपहरण फिरौती कांड में पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। आईजी के हस्तक्षेप के बाद 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई और खाकी पर फिरौती की 52 लाख रुपए की रकम को हड़प करने का भी आरोप लगा है। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ कि फिर से बेवजह घर में घुसकर मारपीट और दबंगई करने का थाना हाईवे पुलिस का मामला प्रकाश में आया है। थाना हाईवे इलाके के शिवनगर कॉलोनी के रहने वाले खेम सिंह ने आरोप लगाया है कि 3 दिन पूर्व रात्रि के समय 4 से 5 पुलिस वाले उसके घर पर गए और जबरन दरवाजा खुलवाकर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की और उन्हें थाने ले जाने का प्रयास किया। जब घर वालों ने पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाने का विरोध किया और मौके से भाग गए, जिसके बाद पीड़ित हेम सिंह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर लगा रहा है। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो सीईओ रिफाइनरी वरुण कुमार ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस के अनुसार शिवनगर कॉलोनी के रहने वाले मनोज कुमार की तहरीर पर पुलिस कार्यवाही करने के लिए गई थी। उसने खेमचंद के भाई मुरारी पर आरोप था कि उसने मनोज के साथ मारपीट की है। उसी संदर्भ में पुलिस वहां गई थी और मुरारी को थाने भेजने की बात कहने के बाद वापस लौट कर आ गई। लेकिन साहब, 3 दिन पूर्व की घटना और अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ और वीडियो भी साफ बयां कर रहा है कि जिस तरह पुलिसकर्मी और परिजनों के बीच चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, उसमें मामला कुछ ही नजर आ रहा है। परिजन बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे, कुछ ही समय में 2 बार आए और 3री बार आने पर घर में मारपीट की। जब वीडियो बनाना शुरू किया तो वहां से चोरों की तरह भाग निकले। आखिर पुलिस बेवजह लोगों को क्यों परेशान कर रही है? और फिर जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उसे दबाने के लिए एक शख्स ने तहरीर लेकर उसे मामले को दबाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कब कार्यवाही होगी? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? जो खाकी लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, वही लोगों को बेवजह परेशान करे तो फिर लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। गुलाब देवी, यहाँ आए कहा था हमारे घर पर, रात को पुलिस वाले ने गेट खटखटाया और फिर हमने गेट खोल दिया। उनने नाम पूछा कि यहाँ गुंजर फूंजर रहते हैं, नाम गुंजर न का हमने नहीं कर दी उनसे कि यहाँ नहीं रहते हैं। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है, तो के बाद दे लो। हमने के बाद दे ली, हम सो गए। फिर कहता फिर आए कि माता जी हमको प्यास लग रही है, पानी दो। फिर हमने कहा पानी दिया, पानी दिया। हमने गेट पर दिया ऊपर रह गए तो बोले तुम गेट खोल ली होगे, तुड़वाओगी। मैंने फिर गेट खोल दिया, गेट खोल दिया। फिर बच्चन मैंने निकाल लिए घर में से, गेट खोलो सब घटनों का। मैंने गेट खोल दिया घटनों का सर इनका। सो उन्होंने फिर चेकिंग करी है, फिर कहा था कोई बात नहीं, फिर जा सो पकड़ के और जाकूँ। और झटकाए थे, चलने लगे लेके नहीं है। ये बोला मैं चो चलूँ तो कहते हैं जिनने कहते हैं जाने के वीडियो बना, वीडियो बना। झटकाए थे गुन्ने चारों ने गुथिया लो जे सब जाके लत्ता फत्ता फा दिए जी। गोवर्धन चौड़ाए है शिव कॉलोनी, शिव कॉलोनी प्लस हावी था फला बता रही हावी का की। खेम सिंह राजपूत है मेरा नाम। क्या हो गया, क्या आया सर? वो रात को पुलिस को 4 पुलिस वाले आए थे, गेट बजाया था। उन्होंने पूछा कि निरंजन गुर्जर का घर यहाँ कौन सा है? मैं सर यहाँ तो कोई निरंजन गुर्जर रहता नहीं है। फिर बोले अच्छा कहीं और कोई? मैंने साहब यहाँ कोई नहीं रहता है। फिर उन्होंने कही ठीक है तो गेट लगा लो। गेट लगा लिया 2 मिनट डट के। फिर उन्होंने दोबारा गेट खटखटा के मम्मी से पानी मांगा कि माता जी पानी पिला दो। तो मम्मी पानी भर के लेके आई तो पानी दिया गेट से ऊपर होकर। तो उन्होंने कहा गेट खोल रही होगा, तुड़वाओगी गेट है। तो मम्मी ने फिर गेट खोल दिया। फिर 4 पुलिस वाले आ गए थे, नशे की हालत में थे, पूरे गिर रहे थे। फिर उसके बाद बोले कि बुलाओ अपने सबने अपने लड़कों को। तो बुलाया तो मुझे मुझसे कहने लगे कि चल थाने चल तू। मैंने मैं थाने क्यों जाऊँ? तो बोले कि तेरे लिए स्पेशल बताना पड़ेगा। मैंने कहा साहब बताओ, मैंने क्या बात है? मैं फोन अपना नंबर दे जाओ, कोई कोई बात है तो सुबह मैं बात कर लूँगा। क्योंकि तू मुझसे क्या बात करेगा? तो जी हाईवे थाने के बता रहे थे। मैंने कही साहब अपने इंचार्ज से बात कराओ। नहीं उनसे कोई बात नहीं हुई सर। तो मैंने कही अपने इंचार्ज से बात करा दो। मैं ही इंचार्ज हूँ और मैं ही SSP हूँ। तो तू क्या इंचार्ज क्या बात करेगा? हर्रा के पड़े मुझ पर। फिर मैंने कही इनकी वीडियो बनाओ। मैंने अपना फ़ोन निकाला और ऐसे वीडियो बनाया तो मेरे हाथ में से फ़ोन छुड़ाने लगे। फ़ोन छुड़ाने के बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ाया। फिर मेरी बहू ने वीडियो बनाई है। वीडियो बनता देख के चारों घर से ऐसे भागे थे जैसे चोर भाग रहे थे और गिरते उड़ते भागते हुए निकल गए, फिर नहीं आए साहब। रिफाइनरी का वो थाना हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस पर आरोप लग रहा है कि बेवजह तबियत दी गई और मारपीट की गई।
ये थाना हाईवे जनपद मथुरा का प्रकरण है और दिनांक 26 फरवरी 2020 को रात्रि में पुलिस द्वारा जो है ये मुरारी सन ऑफ मंगल जो शिव विहार नगर के रहने वाले हैं उनके वहाँ दबिश दी गई थी। इस क्रम में ये आप लोगों को अवगत कराना है, मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति जिनके पिता का नाम राजपाल है वो भी शिव विहार कॉलोनी में है, तो उनका गोवर्धन पेट्रोल पंप के पास इस मुरारी नाम के लड़के के साथ कुछ मारपीट की घटना हो गई थी, तो उसने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। उसी प्रार्थना पत्र के जांच में क्रम में पुलिस वहां मौके पे गई थी, लेकिन मुरारी मौके पे नहीं मिले थे, उनके कोई भाई वगैरह मिले थे, तो पुलिस ने उन्हें सूचना दे करके कि जैसे ही मुरारी आए आप तत्काल उन्हें थाने भेजिएगा, ये अवगत करा करके पुलिस चली आई थी। सर, लेकिन वीडियो में किसी गुर्जर का नाम आ रहा है, पुलिस उस गुर्जर के बारे में पता कर रही है। नहीं, अभी तक की जांच में इतने ही तथ्य सामने आए हैं, बाकी और गहराई से भी जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। शिकायतकर्ता का सर ये भी कहना है, जिस तरह पुलिस वहां गई और उसने वीडियो बनाई, उसके बाद में तो पुलिस वीडियो होती हुई देख के वहां पर वहां से भागने निकलने का प्रयास किया। नहीं, ये प्रकरण नहीं है, अभी प्रकरण ये सामने आया कि पुलिस गई वहाँ मौके पे, घर पे गई मुरारी के, और जब मुरारी मौके पे नहीं मिला तो पुलिस ने उनके परिवारजनों को सूचना दे करके कि उसके खिलाफ़ ऐसे ऐसे तहरीर आई है और आप उन्हें तत्काल बताएं कि थाने में आकर के हम लोगों को उनके खिलाफ़ जो शिकायत आई है उसके संबंध में स्पष्टीकरण दें, तो ये अवगत करा करके पुलिस वापस चली आई थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.